मौका देना चाहिए। आपको तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं? देख रहे हैं इस बार। हम लोग तो इस बार संकल्प लिए हैं कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे। इस बार जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही होगी। सिर्फ यूथ होने से काम तो नहीं होने वाला है ना, काम से मतलब है ना, जनता को, देश को, राष्ट्र को विकास चाहिए ना। जब से नीतीश कुमार बने हैं लड़कियों को प्रोत्साहन दिए हैं, स्कॉलरशिप का, ड्रेस का, साइकिल का पैसा दिए हैं। लड़की को दो चीज के लिए तो बहुत धन्यवाद दिया जाए, एक सड़क और दूसरा बिजली। युवा बेरोजगार हैं, मखाना उद्योग बर्बाद है, जितना सरकार को ध्यान देना चाहिए उतना सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। विकास जो किया है और करेगा उसको हम वोट हम देंगे। हम अपना मदद करते हैं, अपना खाते हैं, सरकार को कहना से तो पेट नहीं भरता है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये महान सूत्र उत्तर बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने के लिए मैथिली के सबसे बड़े कवि बाबा विद्यापति ने दिया था। और आज मैं माधुरी कलाल आपको ले आई हूँ मैथिली के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले मधुबनी में, जहाँ पर आज भी मिथिला की पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ आज भी मिथिला की ये संस्कृति सबसे ज्यादा पहचानी जाती है। मैं मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा, मधुबनी की बिस्फी विधानसभा में। बाबा विद्यापति का ये स्टैचू देश का पहला स्टैचू है और यही बाबा विद्यापति जन्म भी लिए थे। 700 साल पहले मैथिल की संस्कृति को बचाने के लिए जो अलख बाबा विद्यापति ने जताई, जगाई, वो सियासत में कहीं धूल तो नहीं फांक रही है। यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उस मैथिली संस्कृति के साथ क्या सियासत, बिहार की सियासत न्याय कर पाई। यहाँ के लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि इस बार यहाँ की धरती किसे अपनाएगी और किसे लगाएगी गंगा पार। क्या नाम है आपका? अभिनव झा। क्या करते हैं अभिनव? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मधुबनी का नाम आते ही देश में संस्कृति का नाम आ जाता है, देश में सबसे खूबसूरत बिहार की कल्चर की बात होती है। आप मधुबनी से हैं, यहाँ की जनता कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ के मुद्दे हैं बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार हैं, मखाना उद्योग बर्बाद है, जितना सरकार को ध्यान देना चाहिए उतना सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जितना सोचते हो उतना सरकार ने मदद किया है आपको? नहीं, नहीं किया। बाबा ये बताओ, सरकार इस बार किसकी चाहिए, नीतीश कुमार की? हम नहीं कह सकते हैं, अंजाद कैसे करता सकते? नहीं मत कहिए, ये कहिए कौन काम किया था, लालू यादव काम किए थे कि नीतीश कुमार? सब हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए सब बराबर है। कैसे बराबर है, काम कौन ज्यादा किया है ये नहीं? हम अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं, अपना बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। हम अपना मदद करते हैं, अपना खाते हैं, सरकार को कहना से तो पेट नहीं भरता है। आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? अजय कुमार शाह। यहीं रहते हैं आप? जी, रेका। अच्छा, रेका में रहते हैं। बिस्फी विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है, आपके पहले जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं? हम लोग विकास पर चाहते हैं, विकास पर, विकास पर बात हो। विकास कौन करेगा, मतलब नीतीश कुमार पे भरोसा है या तेजस्वी यादव पर? विकास जो किया है और करेगा उसको हम वोट हम देंगे। किया है कौन, किया है नीतीश कुमार, किया है लालू यादव किए थे? भारत देश में मोदी जी किए हैं, हम लोग उनको अति लेकर के चलते हैं। तो पिछले दो बार से क्यों नहीं बीजेपी को जिताया यहाँ से? बीजेपी अगले बार हम लोग भैया जी को दिए हुए थे, बात सही है ना? क्यों दिए थे? वही तो उस समय था, हम लोग उनसे जुड़े हुए थे, दिए थे। फैयाज अहमद जो है वो यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट है, इनका कहना है कि पिछली बार दिया था, इस बार नहीं देखे। आपको क्या लगता है इस बार फैयाज अहमद, क्योंकि 10 साल हो गया तो हर आदमी जब आता है तो उसको लोग देखते हैं, परखते हैं, मौका दिया है, काम किए हैं कि नहीं किए? देखिए, वैसे तो इस बार वैसे काम नहीं किए हैं, लेकिन अभी अब मजबूरी है। इस बार जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही होगी, है ना, क्योंकि अभी इस नौजवान की वजह से, क्योंकि हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बताओ ना, काम किस कौन किया है ये बताओ? मोदी को ये काम कर रहा है, मोदी करे हैं ये, मतलब ये बहुत पहली बार नहीं है। मैं अब तक करीब 9 विधानसभा चुनाव कवर कर चुकी हूँ, लोकसभा के बाद में, मतलब आप अगर देख लें तो 6 विधानसभा में कवर कर चुकी हूँ, 5, और उस 5 विधानसभा में जब आप बात करते हैं किसी से विकास की तो सिर्फ मोदी जी का नाम आता है। स्टेट के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना जबरदस्त तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं देखना बहुत जरूरी है।
इस वक्त हम जहां मौजूद हैं बिस्फी विधानसभा में, जो मधुबनी की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, इस वक्त हमारे साथ यहां के जो कैंडिडेट हैं भाजपा से, वो मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर साहब। हरिभूषण ठाकुर जी, आरजेडी का गढ़ रहा, 10 साल से यहाँ आरजेडी जीतती है, इस बार आपको क्यों उम्मीद है? भाजपा यहाँ कैसे अपना गढ़ बनाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उनका तिक्रम है और पैसे के बल पर। और चूंकि यहाँ 1,18,000 अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको गुमराह करके, और बिहार के वो सबसे धनी उम्मीदवार हैं, वो कभी भी वोट से नहीं जीते हैं, वो तिक्रम से जीतते हैं। इस बार उनका छल तिक्रम सब खत्म हो जाएगा। बिस्फी की जनता जाग गई है, बिस्फी अपने माटी के बेटे को इस बार पसंद करेगी। इस बार की चुनौती सर बड़ी है, क्योंकि आरजेडी अपने युवाओं को साधने की बात कर रही है। 31 साल के तेजस्वी यादव दौड़ रहे हैं, उनके पीछे युवा दौड़ रहा है। बिहार का युवा ऐसा है जो नौमी फेल को नेता मान लेगा है? क्या मैडम आप भी सोच रही हैं जैसा है संभव? तेजस्वी जी बड़े बाप के बेटा है, लालू जी के पुत्र हैं, ये खूबी है, देखने लोग चले जाते हैं, वो टूट इस बार नहीं मिलने वाला है उनको। पुष्पम प्रिया कैसे खेल, कहां कोई खेल बिगाड़ रहे? नहीं बिगाड़ पुष्पम प्रिया कुछ नहीं है। पुष्पम प्रिया जी फैयाज अहमद के पेई कैंडिडेट हैं, उनके बाबा पिताजी सब फैयाज जी के दोस्त रहे हैं और उनके पैसे पर वो खड़ी हुई हैं। पुष्पम प्रिया जी को क्या पता कि किस दा का बनता है, चली आई हैं, वो तो ठहरी परदेसी, प्यार क्या निभाएंगी, पहली गाड़ी से लंदन चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अगर आप मधुबनी में आएंगे तो मिथिला पेंटिंग्स आपको यहाँ घर घर में बनती दिखेंगे, और मैं भी जहाँ आई हूँ मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो बनाते हैं मिथिला पेंटिंग, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उनसे थोड़ा बात कर पाऊँ। पहली बात यह है कि जो मिथिला पेंटिंग है वो सिर्फ देश में नहीं है, वो विदेशों में भी उतना ही जाना जाता है, और यहाँ से जो ये बच्चे बनाते हैं, मुझे लगता है इन्हीं लड़कियों में से निकल के फिर यहाँ से ये मिथिला पेंटिंग्स हर जगह, मिथिला आप देखिए ना, दुपट्टे पे, साड़ी पे, कागज़ पे, कॉपी पे, जूतों पे, मास्क पे, आजकल जो मास्क हैं वो भी मिथिला पेंटिंग में बने जाते हैं। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं। पूर्वजों से चलता आ रहा है ये पेंटिंग। अच्छा, और आप भी करते हैं? या। और तो ये पेंटिंग जो आप बना रही हैं, ये कहाँ जाती है, मतलब क्या करोगे इस पेंटिंग का? इस पेंटिंग का हम लोग सेलिंग करते हैं। आप लोग कितने साल के हो अभी, मतलब वोट देने लायक हो? हाँ, हाँ। वोट देने लायक हो तो पहली बार जाई छे? हाँ, पहली बार जा रहल छे। तो ये बताओ मुझे कि इस बार नीतीश सरकार या तेजस्वी कुमार? नीतीश कुमार। क्यों, तेजस्वी क्यों नहीं? नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि वो हमारे शिक्षा की तरफ नज़र देते हैं। पहले हमारे गांव में लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार बने हैं, लड़कियों को प्रोत्साहन दिए हैं, स्कॉलरशिप का, ड्रेस का, साइकिल का पैसा दिए हैं। कोई गवर्नमेंट जब बनती है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, क्यों, मेरे लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, आपके दिमाग में क्या होगा? सबसे पहले कि अभी हम लोग ये मिथिला पेंटिंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम मिथिला पेंटिंग को एक रोजगार के रूप में देखें, क्योंकि इससे भी बहुत रोजगार हो सकती है। कितना खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया है इन्होंने। ये क्या है, ये दुल्हन है? हाँ, ये दुल्हन बनाया है। अच्छा, ये इन्होंने दुल्हन बनाया है और दुल्हन का श्रृंगार कर रही हैं। अच्छा, मैं पूछूं ये पेंटिंग कितने में, ये वाली पेंटिंग कितने में बिकती है, क्या, कितना खूबसूरत? ये आपने माँ का श्रृंगार किया है, माता रानी का। हाँ। अभी नवरात्रा है और नवरात्रा के बाद भी ये बहुत चलता होगा। हाँ, हाँ। तो कितने रुपये में आप ये सेल करती हैं? 3,000। बताइए, एक लड़की, ये कितने दिन लगे इसको बनाने में? युवाओं के लिए इस बार कौन सी सरकार, नीतीश या तेजस्वी? नीतीश, क्योंकि हमारे मिथिला पेंटिंग की ओर उनका ध्यान आकर्षित है। अच्छा, वो हमारे लिए सोराठ में यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। सोराठ में? हाँ, सोराठ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको लेके चलती हूँ सोराठ में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात नीतीश कुमार ने की है। मधुबनी की खासकर बात करें तो कौन सरकार सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए काम किया है? हम लोग तो इस बार संकल्प लिए हैं कि तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को लाएंगे। नीतीश को क्यों नहीं? नीतीश को नहीं, नीतीश को नहीं लाएंगे इस बार, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं 15 साल। अच्छा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है, इसलिए हम लोगों का इस बार पूरा सेविका, सहायिका, आशा बहने जितना भी है, हम लोग एक संकल्प लिए हैं
और संकल्प लेकर हम लोग अपना अपना एक दायित्व समझे हैं कि हम लोग इस बार इस सरकार को कुर्सी से हटाएंगे। हाँ, की नाम है? हाँ, हमारा नाम है श्वेता मिश्रा। श्वेता मिश्रा जी, आप बताइए मुझे, आप यंग भी हैं, मैरिड भी हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या मुद्दे होते हैं जब आप वोट देने जाते हैं, जहन में क्या आता है? सबको मौका देना चाहिए, एक ये भी है, और बार बार एक ही सरकार है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो शिक्षा है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है, और जो लोग पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनको रोज़गार तो चाहिए। तो आपको तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इस बार? लालू के टाइम में तो हम लोग थोड़ा बच्ची टाइप के थे, हाँ, तो उतना तो नहीं जानकारी उतना नहीं है, लेकिन नीतीश को तो देख लिए हैं, इसलिए इस बार आप थोड़ा अलग देखना चाहते हैं। तो अलग कौन? तेजस्वी? तेजस्वी लालू जी यादव के बेटे ही तो हैं वो। हाँ, इसीलिए ना उनको, वो यंग है, यंग है ना वो, यंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली अनुभव नहीं, अब यंग चाहिए। और ये मिथिला के वासियों का कहना है, हालांकि ऐसे दो चार घरों में हम लोग गए थे जहाँ पेंटिंग्स बनती हैं और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ की हैं। ये पेंटिंग्स को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा काम की है? लेकिन सौराष्ट्र की बात, जब सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ आपको लेके चलते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है उस जगह की, जो इस मिथिला की पहचान को विश्व स्तरीय बनाने का दावा कर रही है। मिथिलांचल की संस्कृति के सबसे बड़े द्योतक कहूँ, सबसे बड़े वाहक कहूँ, तो मैथिल ब्राह्मण रहे, जो यहाँ की संस्कृति को अपनी परंपराओं में ढालते थे और जिसकी पहचान देश में नहीं विदेशों में भी होती थी। मैथिल ब्राह्मणों का जो ओरिजिन माना जाता है वो इसी बिस्पी विधानसभा के सौराठ गांव में। प्रणाम, गुड लागी छी। आपका नाम? चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ झा, थोड़ा मुझे बताइए ना सौराठ के बारे में, यहाँ यहाँ की सरकारों के बारे में, यहाँ जो लोग रहे और आज जो असल मुद्दे हैं। ब्राह्मणों का समझिए राजधानी है एक तरह से। यहाँ पर आज से 150-200 साल पहले दरभंगा के महाराज ने जमीन दिया था, और उसमें मीटिंग होता है जिसको सभा बोलते हैं, और वहाँ यहाँ की शादी फिक्स किया जाता था। अच्छा, और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता था। एक टाइम था जगन्नाथ मिश्रा वाला, वो टाइम समझिए, जब राजनीति में ब्राह्मण बोलबाला हुआ करता था। आज का दशक जो है वो बदल गया है, बिहार की राजनीति बहुत हाशिया पर चला गया है ब्राह्मण, क्योंकि इनका संख्या कम है, ये कुछ वोट माने की कर नहीं पाते हैं, वोट बैंक नहीं है किसी पार्टी के, और उतना यूनिटी नहीं है जो एक ही में सब गिराएगा, ऐसा नहीं है, सब अपना अपना व्यू रखते हैं, अपना अपना ओपिनियन रखता है। ठीक है, लेकिन ओपिनियन में मुझे बताइए कि इस बार, क्योंकि आप लोगों ने लालू यादव का टाइम भी देखा है, है ना, तो है, भोगा है, भोगा है। और खास तौर पे ये जो नीतीश कुमार के 15 साल हैं, ये भी है, प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, अब चुनाव आ रहा है तो हर आदमी हाथ जोड़ के को दो चीज के लिए तो बहुत धन्यवाद दिया जाए, एक सड़क और दूसरा बिजली, जो बिल्कुल जिससे सामान्य लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का तो विकास के लिए अगर वोट दे लो तो नीतीश बाबू को वोट तो अभी अभी दादा तेजस्वी यादव आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम यूथ हैं, युवाओं के लिए कुछ करेंगे, लगता है लोगों का झुकाव होगा उधर? ऐसा नहीं है, सिर्फ यूथ होने से काम तो नहीं होने वाला है ना, काम से मतलब है ना, जनता को, देश को, राष्ट्र को विकास चाहिए ना। तो अभी अभी दादा तेजस्वी यादव आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम यूथ हैं, युवाओं के लिए कुछ करेंगे, लगता है लोगों का झुकाव होगा उधर? ऐसा नहीं है, सिर्फ यूथ होने से काम तो नहीं होने वाला है ना, काम से मतलब है ना, जनता को, देश को, राष्ट्र को विकास चाहिए ना। कहाँ क्या कौन क्या काम कर सकता है, किसके विचारों से क्या है, वो निर्भर करता है, उस पर लोगों का मत जाता है। और नीतीश जी अपने कर्म से, काम से और घोटाला रहित सरकार चलाने के कारण उनका एक अच्छा छवि है बना हुआ, एक छवि है, और विकास भी उनके समय में बहुत कुछ हुआ है। आज जो युवा राजनीतिक पौध है, ये जिसमें आप चिराग पासवान को ले लीजिए, तो इनके ये जब वोट मांगने आते हैं, इनके जब कैंडिडेट आते हैं, लोजपा की मैं बात करी, तो यहाँ कोई है उनका ओपिनियन आपका क्या है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लोग मोदी जी की तरफ देख के वोट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ? मोदी जी, मोदी जी, अभी अभी मोदी जी, अभी मोदी, अभी मोदी। देखिए, ये सौराठ की धरती है, और मैं जितना समझ पाई हूँ मिथिला की संस्कृति को बढ़ाने में इस जगह का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही है।
अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से क्या उसमें हुआ है ये जानना और ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मिथिलांचल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की बात की है। मैं चाहूंगी कि आपको जरा वहां पर भी लेके जाऊं कि इतना काम हुआ है, क्या लोग उससे अट्रैक्ट होकर वोट बैंक में तब्दील होंगे या नहीं, या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग इस बार भी वोट करेंगे। चलिए, ये जो इमारत है ये जब बन के तैयार हो जाएगी तो सियासत के लिए ये नई इबारत लिखेगी। दरअसल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मैथिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ये भवन तैयार हो रहा है, जो यहाँ के मजदूर लोग बता रहे हैं 2 साल से चल रहा है, 1 साल 1.5 साल और लगेगा, लेकिन अब चुनाव है तो इस इमारत को दिखा के सियासत की इमारत को साधने की कोशिश की जाएगी। ये कब से हो रहा है काम? ये 2 साल से हो रहा है। और कब तक और चलेगा? अभी साल भर और चलेगा। अगर आप वोट बैंक पर जाएंगे तो पूरे मधुबनी में जब आप वोट बैंक की बात करते हैं तो MY समीकरण जो है वो कई बार हावी रहा है, हर बार 2015 में भी हुआ, लेकिन 2015 में JDU RJD के साथ थी, इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार मधुबनी में किसकी सरकार ये संस्कृति को साधने की कोशिश के साथ तय होगी। लेकिन फिर भी वोट बैंक में MY समीकरण यहाँ हावी ही रहेगा। फिलहाल मधुबनी से इतना ही, अब की बार किसकी सरकार में, कल फिर मिलेंगे किसी और शहर, किसी और जिले, किसी और तस्वीर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।